में हुए त्रासदी से पूरा देश बेहाल हो गया है। इस दुख की घड़ी में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आगे आए हैं और पीड़ितों की मदद की है। जब आप डोनेशन की बात करते हो, आई थिंक जो आपके दिल में है वो ही करना चाहिए। वेदर इट्स 1 रुपी, 5 रुपी, 100 और थाउजेंड्स, जो भी आप कर सकते हैं, इवन इफ इट्स जस्ट टेलिंग समबडी एंड गिविंग देम होप। अगर आप किसी को होप भी दे सकते दैट सब कुछ अच्छा होगा, शायद आज अच्छा नहीं है बट कल होगा, एंड देयर्स पीपल आउट देयर दैट विल लव एंड केयर एंड सेंड डोनेशंस, एंड यू नो होपफुली दिस इज जस्ट समथिंग वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू व्हाट दे नीड, सो होपफुली इट हेल्प्स। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर हर एक इंडिविजुअल अपने साइड से कुछ करे, केरला और कूर्ग और ये जो फ्लड्स हुए हैं वो कई 100 सालों में ऐसा फ्लड देखा नहीं है, यू नो, साउथ में। तो आई थिंक व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, और एक कॉज के लिए कर रहे हैं हम। दुख हो रहा है, बिल्कुल दुख हो रहा है। वी सिंपथाइज एंड our heart is with all the families and all the affected and all the children and everybody affected, Kerala, Coorg. But I think it's our duty as citizens of India, like them, to be there for them. Or this is what we're doing. We thought we'd do our little bit. To hum hamare dilon se jo kuch bhi kar sakte hain wo kar rahe hain, aur hum chah rahe hain ki hamare dost aaye, hame support de, aur kafi sara samaan collect ho jaye aur fir hame use hum bhej denge. Dad mein aaye hain, I think that's a great achievement. Matlab you all are going all out also taki logon tak ye baat pahunche, aur ye jo support jo aaj shuru kiya hai Siddhant aur Prateek ne, ye mere khayal mein Sunday tak chalega. तो जो लोग आके और हेल्प करना चाहेंगे, मदद करना चाहेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम यहाँ बी लाउंज में। इसलिए ऐसी एक सिचुएशन आ गई है इस कंट्री के अंदर कि वी ऑल हैव टू कम आउट इन एवरी पॉसिबल वे एंड सपोर्ट द पीपल आर कंट्रीमैन। जो फ्लड्स हुए हैं वो बहुत ही डेविस्टेटिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड यू नो प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, लोग की ज़िंदगी बिखर गई है। तो उनको वापस से ट्रैक पर लाने में बहुत समय लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, और हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो अच्छा रहेगा। तो दैट्स व्हाट एंड आई लाइक द फैक्ट दैट सब बहुत सारे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनमें से ये भी हैं, सिद्धार्थ है, सुवेद है, प्रतीक है, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, ये आई यू नो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। देखिए, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि केरला के अंदर जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी उस नेचुरल कैलामिटी को ख़त्म करने के लिए और केरला को वापस अपने कदमों पर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर हिंदुस्तानी, हर एक इंडिविजुअल अपनी तरफ से जो भी योगदान दे सकता है, थोड़ा बहुत, कम ज़्यादा, और जो भी चीज़ें, चाहे कपड़ा हो, चाहे वो किसी तरह का खाने का सामान हो, जो भी चीज़ हो, आई थिंक ज़रूर करना चाहिए। बड़ा ईजी होगा और जल्द से जल्द उससे जो केरला है वो वापस आ पाएगा, और जो परिवारों ने यू नो नुकसान हुआ है उसे भरपाई करने के लिए मुझे लगता है वो सब लोग आपके हाथ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनका हाथ थामें और उसे इससे बाहर निकाल सकें। केरला में जो हुआ है बहुत ही दुख की बात है, और जब मालूम चला तो यकीन नहीं हुआ कि इतना पानी, जब पिक्चर्स और वीडियोस देखे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा केरला में हो सकता है। काफ़ी दोस्त भी हैं वहाँ पर, और तब तक फिल्म की प्रमोशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन दिल में, दिमाग में बहुत कुछ है करने का, और मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूँ, कुछ करने की सोच रहा हूँ, और सर भी लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो भी थोड़ा बहुत भी आप अगर आप कर सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पे खाना की कमी है, वहाँ पे चाहे आप कपड़ा दे सकते हो, खाना दे सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और बहुत सारे आपको मेल में या सोशल मीडिया में आपके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा भी कॉन्ट्रीब्यूट करें तो एक छोटी छोटी चीज़ें ही उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले कुछ दिनों में मैं जो भी कर सकूं वो आप सबको जल्दी मालूम चल जाएगा। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।